हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरी जो ये जींस है अब टाइट होने लगी है, इसका यूज़ बता दूँ कि हम इसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये मेरी जींस है, इसका रीयूज़ कैसे करना है अब मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, हमारी जो जीन्स की पैंट है, हम इसे एज इट इज़ रखेंगे, इसे हम ना खींचेंगे ना कुछ करेंगे। और इसके ऊपर मैंने अपने 5 साल की बेटी की जो है जीन्स रख दी है। और मैं अब इसकी साइड ऐसे पूरी ये कटिंग करूँगी, इस तरीके से इसकी मैं कटिंग करूँगी। देखिए, कटिंग के बाद अब ये मुझे ये पीस मिल गया है। फ्रेंड्स, ये जो मेरे पार्ट्स बचे हुए थे पैंट के नीचे के जीन्स के, इसकी मैंने ये साइड की सिलाई खोल दी है। आप देख सकते हैं, दोनों साइड की सिलाई खोल दी है। उसके बाद आप ये मार्किंग देख सकते हैं, यहाँ से लेके ये मार्किंग 7 इंच की मैंने इस पर और इस पर भी कर दी है 7 इंच की। और ये जो है, मैं इससे डंगरी बनाने जा रही हूँ अपनी 5 साल की बेटी के लिए। डंगरी के ऊपर वाले पार्ट की, हर एक पार्ट की जो चौड़ाई है हम इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, या इससे हम थोड़ा कम रख सकते हैं यहाँ तक। तो ये जो मेरे पार्ट्स हैं दोनों सेम, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये पार्ट्स जो है मेरे, ये मैंने, आप मार्किंग देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की मार्किंग कर रखी है। और ये जो है, ये पार्ट जो सिलाई में अंदर आ रखा है, आप इसे काउंट ना करिएगा, इसे हम ऐसे ही फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये पार्ट हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का और ऐसे 7 इंच का हमने कट देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये काटने के बाद जो मेरा बचा हुआ जींस का फैब्रिक था, 2-2 इंच की मैंने ये पट्टियाँ काट ली हैं। आप देख सकते हैं, ये जो सारी 2-2 इंच की मैंने पट्टियाँ काट ली हैं, ये इसके बेल्ट के काम आएंगी, जो फ्रंट बेल्ट लगती है फीते के लिए। अब देखिए, ये जो पार्ट था इसे मैं सुई धागे से सिलने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, मैं इस पर हाईलाइटिंग जो है इस थ्रेड का देने वाली हूँ, मैचिंग थोड़ा करने के लिए, ये ताकि किसी भी ड्रेस के साथ मैच हो जाए, पिंक कलर के साथ भी और ब्लू के साथ भी। तो मैं इसे जो है, जो इसे सिलूंगी, स्टिच करूँगी, इस थ्रेड के साथ स्टिच करने वाली हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं, ये मैंने जो है सिल दिया है। और ये जो है, ये ऊपर से मैंने इसे मोड़ा है, जैसे हम प्लेट्स बनाते हैं, एक सिंगल प्लेट मैंने इसमें लगाई है, सेम इसमें एक सिंगल प्लेट इसमें लगाई है। और इसकी चौड़ाई जो है नीचे जीन्स की कमर की चौड़ाई के अकॉर्डिंग रखी है। अब मैं इसे इसके अंदर जीन्स की कमर में इसे सिलूंगी। सुई धागे से ही सारा काम होगा, मैं आपको पहले ही बता रही थी, तो मैं सुई धागे से ही इसे करूंगी। देखिए, मैंने जो ये आपको दिखाए थे ये काट के, इसमें मैंने ये जॉइंट कर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम। उसके बाद यहाँ पे मैंने मशीन से सिलाई दी है। आप चाहे, अगर मशीन नहीं भी है तो हाथ से सिलाई दे सकते हैं साइड में, ये नीचे मैंने हाथ से सिलाई दी है। और इसके पीछे ये जो 2-2 इंच की मैंने पट्टियाँ काटी थी, वो मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दी है। इसको भी आप चाहें तो हाथ से सिलाई दे सकते हैं। और इसकी यहाँ पर हम पूरी बेल्ट से ये सिलाई लेते हुए, इस धागे की सिलाई लेते हुए लाएंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये इसका लुक बहुत ही प्यारा लगेगा। उसके अलावा अभी यहाँ पे एक बटन लगना है, एक बटन यहाँ लगेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ पे और इधर। तो मैं काज बनाने वाली हूँ और बटन जो है मैं इस स्ट्रिप पे लगाऊंगी। हम यहाँ पे 3 बटन लगा सकते हैं ताकि हम बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें। तो आप देख सकते हैं, ये मेरी बहुत ही सुंदर जो है डंगरी बिटिया की तैयार हो गई है। अभी मैं जो है इसका ये वर्क पूरा करने के बाद आपको जो है पूरी वीडियो दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरी डंगरी थी बेटी की, ये अब तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये साइड में जो क्रॉस के डिज़ाइन बनाए थे, ये मैंने बताए थे। और आप देख सकते हैं, ये लुक में कितनी प्यारी लग रही है। ऊपर मैंने 3 बटन्स लगाए हैं, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये तो जींस में पहले से ही लगा हुआ था। इसके मैंने बैक साइड में भी जो है यहाँ पे थ्रेड का वर्क दिया है,
आई होप फ्रेंड्स आपको ये डंगरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।